बच्चों, हम करने जा रहे हैं रिडक्शंस। हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिडक्शन को बेसिकली हम कैसे समझते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कोई सेंटर एटम, कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट में उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। और अगर उस एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी हम यहाँ ऐड कर तो रहे, लेकिन ये भी दिमाग में रख रहे हैं कि जो एलिमेंट या जो एटम ऐड हो रहा है वो रिलेटिवली ज़्यादा है या कम है। सोडियम पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से क्या है, ज़्यादा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर आप कार्बन में ऐड कर रहे हो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन का क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कार्बन के कंपेयर में, कम। तो ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शंस। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन जब पढ़ते हैं तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्टली यही मानना होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना है, और हाइड्रोजन का ऐड होना ही हमारे लिए क्या होता है, रिडक्शन। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसको आप पूरी तरह से हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हो तो आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या कहलाएगा, वो रिडक्शन। जैसे कोई अल्कोहल है, उसमें से ओ गायब कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, OH गायब करके उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया तो वो एल्केन बन जाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्योंकि एक आपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस कर दिया है, इज दैट क्लियर। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर लो को हाई से रिप्लेस करोगे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जस्ट उल्टे हो जाते हैं। हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर रहे हो, ऑक्सीडेशन। OH को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, रिडक्शन। सल्फर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, सल्फर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, रिडक्शन। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर रहे हो, ना तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना रिडक्शन। क्यों? देखो, कार्बन के रेस्पेक्ट में सल्फर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी है, तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाई से कर रहे हो तो उस कार्बन पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको यही कहा ना जो सेंटर एटम है उस रेस्पेक्ट में देखा जाता है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कम से कर रहे हो, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा में ही रिप्लेस करोगे उसके रेस्पेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सल्फर ऑक्सीजन से रिप्लेस हुआ है, क्योंकि कार्बन के लिए तो दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। बेटा, यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट इसको बोलते हो, प्लस वन को क्या प्लस टू कर देगा क्या, वो नहीं करेगा, वो प्लस डेल्टा वन को प्लस डेल्टा टू में कर देगा, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हमें जब तक यूनिट में चेंज नहीं हो तब तक हम उसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं बोलते। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप सीधा सीधा है SH है, और अगर आपने उसको OH में चेंज कर दिया तो इस कार्बन की पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है इसके रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर भी क्या रहेगी, प्लस वन। तो बताइए क्या ऑक्सीडेशन दिख रहा है ये आपको? नहीं। हाँ, ये दोनों ही कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या है, हाई है। हो सकता है आप सही कह रहे हो कि इससे इसके ऊपर पार्शियल चार्ज बढ़ जाएगा, सपोज यहाँ डेल्टा वन है, यहाँ डेल्टा टू ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मुझे इस यूनिट चार्ज से मतलब है। हम तो वैसे भी ये जो चार्ज है इसको नहीं देखते ऑक्सीडेशन नंबर में, इस इमेजिनरी चार्ज को देखते हैं यूनिट वाइज। चलिए, तो पहले तो आपने मेरा छोटा छोटा कंसेप्ट समझा, और मैं बिल्कुल आपकी गहराई तक आपको समझाया नॉलेज में कि हाँ हम इसको बोल रहे हैं।
समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट ये है, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कोई कंपाउंड है कोई भी, उसके अंदर कार्बन में एडिशन हो गया, अब एडिशन कब होगा? ऑब्वियसली देखा जाए तो या तो उसके पास कार्बन हो, वैलेंसी हो, फ्री वैलेंसी हो, या फिर उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एडिशन हाइड्रोजन आप आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आप मुझे बताइए, क्या एल्केन का CH4 का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या रिडक्शन कर सकते हो क्या आप? नहीं हो सकता, उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कार्बन में हाइड्रोजन पहले जुड़े हुए हैं चारों, अब आप चारों को, और चारों ही हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो किसी से भी रिप्लेस करो या कुछ भी, रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो कुछ कंपाउंड में एलिमेंट का रिडक्शन पॉसिबल नहीं भी हो सकता, जब उसकी सारी वैलेंसी ऐसे एटम से जुड़ी हो जो लेस, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और हाइड्रोजन को उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिप्लेस भी करते हो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, यही तो मैंने आपको समझाया। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में बढ़ नहीं। क्या आप एल्कीन का रिडक्शन कर सकते हो? हाँ, कैसे? क्योंकि एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर लेगा। फायदा ये रहेगा उससे कि जब पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एक तरह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ है, और जब भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है तो ओवरऑल रिडक्शन होता है, और इससे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रही है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलेगा? जब आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर मेरे पास उस कार्बन पर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब उसका रिप्लेसमेंट हो ऐसे एलिमेंट से जिसकी कार्बन की से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप बाय लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज कॉल्ड रिडक्शन। इज दैट क्लियर? ये OH है, H2 के साथ रिप्लेस किया आपने, हाइड्रोजन आ गया। एक तरह से OH ग्रुप का आपने क्या करा, रिप्लेसमेंट किससे किया, हाइड्रोजन से। तो ये एक रिडक्शन ही कहलाएगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिडक्शन मींस हाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब सिंपल है, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन रिप्लेस से रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वही रिडक्शन है। रिडक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चार तरह से डिफाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, ए कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसमें आप सीधी सीधी हाइड्रोजन को किसी मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, आयरन, पैलेडियम वगैरह आप यूज़ कर लो, सीधा सीधा एल्कीन एल्काइन, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटेंगे और हाइड्रोजिनेशन होगा, कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन के एग्जांपल है। दूसरा है मेटल एंड एसिड, प्रोटॉन का मतलब वही एसिड जो एसिड रखते हैं, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, H2 गैस, और वो H2 गैस सामने वाले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर देगी, रिडक्शन कर देगी। तो है तो ये वही हाइड्रोजिनेशन ही है, लेकिन वहाँ पर कैटलिक कोई एसिड नहीं यूज़ किया जा रहा था, या मेटल और एसिड यूज़ किया जा रहा है, जैसे सोडियम अमोनिया यूज़ कर लिया, अल्कोहल यूज़ कर लिया, समझ में आ रहा है? तो ये सोडियम और अमोनिया या अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो रिड्यूस करेगी, और यहाँ तो डायरेक्टली हाइड्रोजन ले रहे हो और मेटल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। यहां हमारे पास होता है मेटल हाइड्राइड्स रिडक्शंस, हम यहां मेटल हाइड्राइड ले रहे हैं, हाइड्राइड का मतलब है H-, और जब H- आएगा तो वो तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा ही करेगा, समझ में आ रहा है? तो यहां H- आ रहा होता है, और H- आ रहा है तो सामने वाले को नेगेटिव चार्ज देगा, और नेगेटिव चार्ज देगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, समझ में आया? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंक्रीमेंट इन
पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशंस, इंक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज रिडक्शंस। मिससेलेनियस रिडक्शंस, यहां पर मैं ऐसे रिडक्शन लूंगा जो ऊपर के चारों तीनों नहीं होंगे, जैसे रेड फास्फोरस एच आई ले लिया, एच आई एसिड है, रेड फास्फोरस मेटल है क्या? नहीं, अगर मेटल होता तो हम यहां रख देते उसको। तो इस तरह के एग्जाम्पल मेरे कहाँ आएंगे? मिससेलेनियस रिडक्शंस। तो अब अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो बताओ वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हाइड्राइड, सी नंबर में। हाँ, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लिया तो मेटल हाइड्राइड में। मैंने सोडियम अल्कोहल ले लिया, मेटल एसिड। निकल हाइड्रोजन या पैलेडियम हाइड्रोजन ले लिया दिस, और रेड फास्फोरस एच आई ले लिया, मिसेलेनियस। तो ये तो दिमाग में रहते हैं, सब जगह अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्मेट में जा रही है। यहां हो सकता है नेसेंट हाइड्रोजन की तरह जाए इन दोनों में, या यहाँ फ्री हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन या एच माइनस की फॉर्म में जाए, और यहाँ पर भी आपके पास फ्री हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन की तरह से जाए। नेसेंट हाइड्रोजन को मतलब होता है जस्ट फ्रेश हाइड्रोजन जो बनती हुई निकल रही है, काफ़ी रिएक्टिव होती है, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए या तो फिर वापस आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो एक तो बनती हुई हाइड्रोजन को भेजना और एक बनी हुई हाइड्रोजन को भेजने में अंतर है। ये सब केमिस्ट्री हाइड्रोजन का एक अलग पार्ट हो गया जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है।